Hello, students, welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas. So, friends, we have an application by the name Carriers Cloud which you can go and download through the Play Store. And once you have downloaded, you can log in with your Gmail ID. And why I am suggesting you this application? Because this is the one stop solution for all the current affairs. This is the best of the best application and the platform where you can enhance your learning through help here you will be provided with multiple courses here you will be provided with multiple options of quizzes and even you, here you will be provided current affairs on daily basis pdfs and quizzes will be provided to you on daily basis both in hindi as well as english here you will be provided current affairs with weekly basis and monthly basis also here remember once you have done watching our video then you can log in through this application take out the pdf read that pdf and go through the quizzes that will enhance your preparation same you have to do for weekly and same you have to do for the monthly also in monthly you will be provided with the top 100 important questions pdf and video also that will enhance your learning and it will be a very benefit and beneficial and important video for the revision perspective and not just this friends apart from this we also provide you banking and economic questions we provide you state current affairs such as of Uttarakhand, UP, Tripura, Telangana, and many more. Not just this, apart from this, we also provide you topic wise current affairs, and the topics that we are providing you are really important. These topics are such as national affairs, international affairs, important days, sports, defense, science and technology, apps, and web portals. टॉपिकेशन ऑफ द स्टूडेंट हेलो एवरी वन तो आज की वीडियो में आठ नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करेंगे काफी हेल्पफुल सेशन रहेगा तो एंड तक बने रहिएगा काफी कुछ सीखने को मिलेगा चलिए स्टार्ट करें सबसे पहले पीएम मोदी इनग्रेटेड विच एडिशन ऑफ इंडिया मोबाइल कांग्रेस दो हजार तेईस आईएमसी का कौन सा एडिशन अभी इनगरेट किया गया था तो सबसे पहले ये देख लेते हैं ये सेवेंथ एडिशन था आपका आईएमसी का जो कहां पर हुआ था लोकेशन आ जाए तो ये हुआ था भारत मंडपम जो कि कहां पर है न्यू दिल्ली में ठीक सत्ताईस से लेके उनतीस अक्टूबर के बीच में हुआ था एंड याद रखेंगे ये जो इंडियन मोबाइल कांग्रेस है ना ये एशिया का लार्जेस्ट एशिया लार्जेस्ट टेलीकॉम मीडिया एंड टेक्नोलॉजी फॉरम रहेगा ठीक है कहा हुआ था भारत मंडपम न्यू दिल्ली में सत्ताईस से 29 अक्टूबर तक फिर यहीं पे आपको इसकी थीम याद रखनी है थीम है ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन आई रिपीट थीम ऑफ आई 2023 क्या रहेगी ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन ये जो कांग्रेस था आई इसको इनोग्रेट किसके द्वारा किया गया वर्चुअली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा 27 अक्टूबर को एंड इसका एम क्या था कि इंडिया की जो पोजीशन है एज अ डेवलपर एज अ मैन्युफैक्चरर एंड एन एक्सपोर्टर इसको बढ़ावा देना विद की कटिंग एज टेक्नोलॉजीज करेक्ट यहीं पर याद रखेंगे हंड्रेड फाइव यूज केसेज लैब्स को यहाँ पर अवार्ड किया गया देन यहीं पर जियो स्पेस फाइबर इसको भी यहां पे लॉन्च किया गया था करेक्ट ड्यूरिंग दिस आई एम सी ट्वेंटी एट भारत मंडपम चलिए नेक्स्ट पे आते हैं फिर यहां पे देखेंगे आई एम सी दो हजार तेईस इसने शो केस किया इंडिया की एडवांसमेंट इन टेलीकोम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन विद अ स्पेशल फोकस ऑन फाइव जी टेक्नोलॉजी एंड सिक्स जी अलॉन्ग विद ए आई देन यहीं पर हम देखेंगे दिस इवेंट सर्व एज ए प्लेटफॉर्म फॉर वेरियस स्टेक होल्डर्स जैसे सी ओ हो गए एग्जीबिटर्स हो गए स्टार्टअप्स हो गए एंड इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया फिर यहीं पे याद रखेंगे आई 2023 इन्होंने एक एस्पायर इंट्रोड्यूस किया जो कि एक स्टार्टअप प्रोग्राम है जो कि जो बिटवीन द स्टार्टअप्स एंड इन्वेस्टर्स के बीच में कनेक्शंस प्रोवाइड कराएगा ताकि जो स्टार्टअप्स को किसी चीज की डिमांड आ जाती है जैसे मान लो फंडिंग की रिक्वायरमेंट हो जाती है तो वो इन्वेस्टर्स ही पूरा करेंगे इसके लिए ये एस्पायर को भी लॉन्च किया गया था नेक्स्ट नेक्स्ट है गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल इन्होंने अनवेल किया क्रेस्ट ऑफ विच इंडियन नेव तो आई सूरत का यहाँ पे क्रेस्ट को भी इनोग्रेट किया गया था करेक्ट आई एन एस सूरत ये जो आई एन एस सूरत है ये प्रोजेक्ट फिफ्टीन बी के अंडर आ जाता है राइट एंड यहीं पे याद रखेंगे एडमिरल आर हरि कुमार जी के द्वारा ये अनवेल किया गया था फिर ये जो क्रेस्ट है ये क्या शो करता है यहाँ पर ये फीचर्स आर लाइट हाउस एट हजारिया सूरज जो कि लोकेटेड एट द सदर्न एंट्रेंस ऑफ द गल्फ ऑफ खबात रहेगा जो ये लाइट हाउस ऑफ हजारिया है एंड इट इज वन ऑफ द फर्स्ट लाइट हाउसेज इन इंडिया फिर आ जाता है एशियटिक लाइन एंड वेवीसी इन दोनों को इन तीनों चीजों को यहां पर डिपेक्ट किया गया एशिएटिक लाइन की बात करें तो ये स्टेट एनिमल रहेगा गुजरात का जो कि सिंबलाइज करता है शिप की मेजेस्टी एंड स्ट्रेंथ को वेर एज वेवीसी ये डिपेक्ट करता है इंडियन नेवीज का कमिटमेंट टू मेरी सिक्योरिटी एंड नेशनल डिफेंस तो ये तीनों चीजें आपको यहां पर याद रखनी है ठीक है चलिए और जो ये आपका आई सूरत रहेगा याद रखेंगे ये कब कमीशन किया जाएगा तो 2024 में इसको कमीशन किया जाएगा तब तक ये रेडी हो जाएगा इसमें जो भी अपडेट होना नेक्स्ट आ जाते हैं नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं फसाई के द्वारा अभी रिसेंटली फिफ्थ एडिशन ऑफ स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स को रिलीज किया गया और इसमें बताया गया कि नाइनटीन आउट ऑफ ट्वेंटी स्टेट्स जो मेजर स्टेट्स हैं उनमें हमें एक ड्रॉप देखने को मिला है इन 2023 इनके अगर हम पैरामीटर्स के हिसाब से जो रैंक्स और स्कोर्स निकालें उसमें हमें काफी ज्यादा ड्रॉप देखने को मिला है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ 2019 इन द फिफ्थ एडिशन ऑफ स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स जो कि फसाई के, के द्वारा रिलीज किया गया दैट मींस अगर हम बोले तो यहाँ पे आपकी काफी ज्यादा दिक्कत हो सकती है कि फूड्स के पैरक कैसे हैं आपकी जो सेफ्टी है फूड्स की कैसी मेंटेन की जा रही है नहीं की जा रही तो उसमें हमें काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिली तो यहां पे ध्यान रखेंगे फिफ्थ एडिशन ऑफ स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2023 का फसाई के द्वारा रिलीज किया गया एंड यहां पर बताया गया कि नाइनटीन आउट ऑफ ट्वेंटी जो लार्जेस्ट स्टेट्स रहेंगे उसमें हमें ड्रॉप देखने को मिला इन दो एज कंपेयर टू दैट ऑफ दो नेक्स्ट नेक्स्ट बात करते हैं गवर्नमेंट के द्वारा भी इंडिया का पहला ए आई सोल्यूशन लॉन्च किया है फॉर एग्रीकल्चर न्यूज मॉनिटरिंग नेम इट उसका नाम बताओ क्या रहेगा इंडिया के पहले ए आई सोल्यूशन का फॉर एग्रीकल्चर न्यूज मॉनिटरिंग तो वो है कृषि कृषि ट्वेंटी फोर बाय सेवन राइट ये आपका नाम रहेगा इंडिया के पहले ए आई सोल्यूशन का फॉर एग्रीकल्चर न्यूज मॉनिटरिंग करेक्ट इसको लॉन्च किसके द्वारा किया गया है ये लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर अलोंग विद वादवानी इंस्टीट्यूट फॉर एग्री आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाद वानी इंस्टीट्यूट फॉर ए प्लस यहां पे याद रखेंगे इनको सपोर्ट कहाँ से मिला गूगल डॉट ओ से तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर अलोंग विद वाधवानी इंस्टीट्यूट फॉर एग्रीकल्चर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड गूगल ओ इनके द्वारा मिलकर यहाँ पर कृषि ट्वेंटी फोर बाय सेवन को यहाँ पे लॉन्च किया गया था जो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ठीक है ये आपके एग्रीकल्चर को मॉनिटर करेगा आपके आसपास जो वेदर इवेंट्स हो रहे हैं उसको मॉनिटर करेगा और उससे रिलेटेड जो भी अपडेट हो रहे हैं या फिर जो भी अभी अप टू डेट घटनाएं हो रही हैं उनको यहां पे बताएगा करेक्ट आर्टिकल्स को स्कैन करेगा जो आपके अलग अलग लैंग्वेजेस में होंगे और समरी प्रोवाइड कराएगा यहां पे ठीक है ताकि एक फर्म डिसीजन लिया जा सके नेक्स्ट तो आप यहाँ देख सकते हैं कृषि ट्वेंटी है आपके ए का नाम नेक्स्ट आ जाते हैं किस एयर कमांड ने ऑफ इंडियन एयरफोर्स अभी एक एक्सरसाइज कंडक्ट कराई जिसका नाम रहेगा पूर्वी आकाश टू चेक इट्स कॉम्पैक्ट प्रिपेयरनेस तो चेक इट्स कॉम्पैक्ट प्रिपेयरनेस तो कौन सी कमांड रहेगी वो है ईस्टर्न एयर कमांड राइट इन्होंने ये ईस्टर्न एयर कमांड इंडियन एयरफोर्स की है इन्होंने ईस्टर्न कमांड ऑफ इंडियन आर्मी के साथ मिलकर भी एक्सरसाइज कंडक्ट करी है अभी पूर्वी आकाश करेक्ट पूर्वी आकाश और ये एक्सरसाइज हुई कहां थी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में तीस अक्टूबर से लेके पांच नवंबर तक ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई टू कॉम देयर प्रिपेडनेस तो आप यहां देख सकते हैं

एंड ये जो अडेप्टन गैप रिपोर्ट है ये सिम्बलाइज कर रही है यहाँ पर कि जो हम क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो वर्क कर रहे हैं ना उसमें काफ़ी कमी देखने को मिल रही है जो हम प्रोसेस को जो हम मतलब डील सेट करते हैं या फिर जो हम एम लेके चलते हैं हम उनको पूरा नहीं कर पा रहे हैं हमें फंडिंग का भी गैप देखने को मिल रहा है हमें इम्प्लीमेंटेशन का भी गैप देखने को मिल रहा है राइट प्लानिंग का भी हमें गैप देखने को मिल रहा है तो हमें इसको पूरा करना पड़ेगा ताकि हमारे जो गोल्स हैं जो हम क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड क्योंकि हम देख रहे हैं क्लाइमेट चेंज एक सीरियस सिचुएशन बनता जा रहा है तो उसको हम कैसे टैकल करेंगे उसके लिए हमें प्लानिंग फंडिंग एंड इंप्लीमेंटेशन पर स्पेसिफिकली ध्यान देना पड़ेगा राइट और जो क्लाइमेट एडेप्शन के जो एफर्ट्स थे वो हमें कही कहीं ना कहीं ग्लोबली कम होते दिख रहे हैं स्लो डाउन दिख रहा है उनमें ये यूएनईपी के द्वारा जिसका हेडक्वार्टर नाइरो कीनिया में रहेगा उनके द्वारा रिलीज की गई और यहाँ पे देख सकते हैं जो ये रिपोर्ट है सर्व्स एज अ क्रिटिकल रिमाइंडर ऑफ द अर्जेंसी टू एक्सेलरेट क्लाइमेट एडेप्टेशन एफर्ट्स इन द फेस ऑफ एस्केलेटिंग क्लाइमेट रिस्क एंड ये जो रिपोर्ट है अंडरस्कोस द नीड फॉर एन इमीडिएट एंड स्ट्रेटेजिक एडेक्शन टू ब्रिज द गैप बिटवीन क्लाइमेट एडेप्टन नीड्स एंड करंट एफर्ट्स ठीक है और यहाँ पे जो डेवलपिंग कंट्रीज है दस से लेके बीस टाइम्स हमें यहाँ पे फंडिंग की और ज्यादा जरूरत पड़ेगी एज कम्पेयर टू जो हमें अभी उन डेवलपिंग कंट्रीज में इंटरनेशनल पब्लिक फाइनेंस फ्लोज देखने को मिल रहे हैं उससे ज़्यादा देखने को मिलेगा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हमें चाहिएगी करेक्ट एंड जो ये गैप है फंडिंग का जो प्रीवियस एस्टिमेट्स थे उससे भी पचास परसेंट ज़्यादा का हमें गैप देखने को मिल रहा है दैट मीन्स वी नीड मोर फंडिंग ताकि हम जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके खिलाफ हम एक्शंस ले सके उसके खिलाफ जो भी हमें प्लानिंग करनी है इंप्लीमेंटेशन करना है उसको इंप्लीमेंट कर सके नेक्स्ट आ जाते हैं फिर नेक्स्ट बात करते हैं निर्मला सीतारमण मैम जो कि फाइनेंस मिनिस्टर हैं इंडिया की इनके द्वारा भी विजिट किया गया श्रीलंका ये तीन डे थ्री डे की विजिट पर थी टू श्रीलंका एंड यहाँ पर इन्होंने भी एक की नोट एड्रेस किया एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर एट नाम 200 ये नाम 200 गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका के द्वारा ऑर्गेनाइज कराया गया था मार्क करेंगे इसको बिकॉज ऑफ द ट्वेंटी टू हंड्रेड एनिवर्सरी ऑफ इंडियन ऑरिजिन तमिल्स टू श्रीलंका दो नवंबर को इन कोलंबो ये कराया गया था नाम टू एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर यहाँ पर निर्मला सीतारमन निर्मला ने की नोट एड्रेस किया फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे इन्होंने ऑल्सो इन्होंने एड्रेस किया इंडिया श्रीलंका बिजनेस समिट को जिसकी थीम थी एनहेंसिंग कनेक्टिविटी एनहेंसिंग कनेक्टिविटी पार्टनरिंग फॉर प्रॉस्पेरिटी आई रिपीट एनहेंसिंग कनेक्टिविटी पार्टनरिंग फॉर प्रॉस्पेरिटी ये आपकी इंडिया बिजनेस इंडिया श्रीलंका बिजनेस समिट थे जिस पर इन्होंने एड्रेस भी किया ठीक है फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे इनके द्वारा एस की दो ब्रांचेज लॉन्च की गई एक तो त्रिना में और दूसरी रहेगी आपकी जाफना में इट ये दो ब्रांचेज यहाँ पे अभी इनोग्रेट की गई एस की और इन्होंने नाम टू इवेंट पर गेस्ट ऑफ ऑनर की तरह की स्पीच भी दी चलिए नेक्स्ट पे आते हैं फिर नेक्स्ट बात करेंगे इंडिया एक रिपोर्ट रिलीज की गई यूएनडीपी के द्वारा यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जो है एशिया पैसिफिक ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट नाम रहेगा मेकिंग आर फ्यूचर न्यू डायरेक्शंस फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इन एशिया एंड द पैसिफिक इस रिपोर्ट में बताया गया कि इंडिया हाई इनकम कंट्री है जहाँ पे लोगों की अच्छी खास इनकम है लेकिन वहीं पर जो वेल्थ इनक्वैलिटी है वेल्थ इन है वो भी बहुत ज़्यादा है इंडिया में करेक्ट एंड यहीं पे अगर हम देखें जो इनकम ग्रोथ हमें देखने को मिली है 2000 से 2022 के बीच में इंडियाज पर कैपिटा इनकम इंक्रीज़ फ्रॉम 442 हंड्रेड टू 2389 डॉलर वहीं पर अगर पॉवर्टी रिडक्शन की बात करें तो 2004 से 2019 के बीच में जो पॉवर्टी रेट्स हैं उसमें हमें काफ़ी ज़्यादा रिडक्शन देखने को मिला है फ्रॉम फोर्टी टू जस्ट 10%. UNDP की बात करें तो यहां पे administrator कौन रहेंगे? रहे USA में। चलिए नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं CCI के कुछ अप्रूवल्स के बारे में करेक्ट यहां पर पहला प्रपोजल है एक्विजिशन ऑफ 49 परसेंट शेयर होल्डिंग ऑफ भारतीय प्राइवेट लिमिटेड फ्रॉम एक्सा इंडिया

मिशन की बात की गई जिसका नाम है इन्फ्यूज मिशन इन्फ्यूज मिशन ये क्या काम करेगा ये स्टडी करेगा आपको आपका साइनस लूप को करेक्ट ये एक सुपरनोवा इवेंट है जो कि बीस हजार लाइट ईयर दूर हो चुका है दैट इज बीस हजार साल पहले हुआ था एंड ये आपका कुछ ट्वेंटी सिक्स हंड्रेड लाइट ईयर्स अवे है करेक्ट इसको स्टडी करने के लिए यहाँ पर एक नया रॉकेट लॉन्च किया गया है नया साउंडिंग रॉकेट जिसका नाम रहेगा ब्लैक करंट ब्लैक ब्रांड नाइन करेक्ट ये रॉकेट का नाम रहेगा टू स्टेज रॉकेट है नासा के द्वारा लॉन्च किया गया इनफ्यूज मिशन के लिए जो कि है इंटीग्रल फील्ड अल्ट्राइलेट स्पेक्ट्रोस्कोप एक्सपेरिमेंट ये आपका न्यू मैक्सिको यूएसए से लॉन्च किया जाएगा एंड क्या स्टडी करने के लिए साइनस लूप जो कि एक बीस हजार बीस हजार साल पुराना सुपरनोवा है जो कि छब्बीस लाइट ईयर अवे है फ्रॉम अर्थ करेक्ट और इसको वेल नुबेला के नाम से भी जानते हैं करेक्ट जब एक स्टार बस्ट हो जाता है जो उसकी गैसेज रेमिनेंट्स रह जाती हैं ऐसे इनको स्टडी करने के लिए ये मिशन को लॉन्च किया गया ठीक है और ये जो ब्लैक करंट ब्लैक ब्रेंट टू स्टेज रॉकेट रहेगा ये 600 किलोमीटर की हाइट तक जा सकता है एंड इट कैन कैरी अ पेलोड ऑफ अप टू 400 टू 1200 हंड्रेड पाउंड ठीक है ब्लैक ब्रेंट रॉकेट का नाम रहेगा ब्लैक ब्रेंट नाइन एंड नासा का है ये एंड इन्फ्यूज मिशन के लिए नेक्स्ट पर आ जाते हैं विजित गुजराती ने अभी फाइड ग्रैंड स्विस टाइटल को जीत लिया है आई रिपीट फाइड ग्रैंड स्विस टाइटल को किन्ों ने जीता वो भी थर्ड एडिशन ऑफ द फाइड ग्रैंड स्विस टाइटल जीता है विजित गुजराती ने करेक्ट ये इवेंट आपका 23 अक्टूबर को हुआ था 6 अक्टूबर 23 अक्टूबर से लेकर 6 नवंबर तक एंड इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं ये तो क्या थर्ड एडिशन लेकिन अगर मैं बात करूं सेकेंड एडिशन ऑफ फाइल्ड वीमेंस ग्रैंड स्विस टाइटल किन्होंने जीता वो है इंटरनेशनल मास्टर वैशाली रामेश बाबू इन्होंने आपका विमेन टाइटल जीत लिया है एंड मैन टाइटल जीता है ऑफ वीमेन्स एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी जो कि अभी रांची झारखंड में हुई 27 अक्टूबर से 5 नवंबर के बीच में एंड यहां पर इंडियंस विमेन हॉकी टीम ने याद रखी है जीत लिया है वीमेन्स एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी बाई डिफीटिंग जापान बाई फोर जीरो इन फाइनल्स और फाइनल हुआ था जार, रांची झारखंड में फिर यहाँ पे याद रखेंगे इंडिया टॉप पर रहेगा मेडल टैली में या फिर इन दिस पोजिशन इंडिया को गोल्ड जापान को सिल्वर और चाइना को यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल मिला चलिए नेक्स्ट पे आते हैं फिर एफ रेसिंग में मैक्स वर्स्ट एपन जो कि रेडबॉल के लिए ड्राइव करते हैं इन्होंने ग्रैंड को जीत लिया है ये इनकी सत्रहवीं विन है आउट ऑफ ट्वेंटी इवेंट रेसेस इन 2023 का सीजन और इन सत्रह विन के साथ इन्होंने अपना खुद का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया जो कि पहले था सोलह विन्स का इन अ पर्टिकुलर सीजन और अब सत्रह विन्स इन्होंने कर लिया इन अ पर्टिकुलर सीजन मतलब बीस रेस हुई थी पूरे साल में सत्रह मैक्स वर्स्ट एपन ने जीते हैं जो की रेडबॉल के लिए ड्राइव करते हैं एंड एफ वन साओ पोलो ग्रैंड पिक्स इनकी लेटेस्ट विक्ट्री रहेगी पोजीशन पे लैंडो नॉरिस मैकलेर के ड्राइवर जो कि यूके से बिलोंग करते हैं एंड एस्टन मार्टिन के ड्राइवर फर्नांडो अलोंसो ये स्पेन से बिलोंग करते हैं इन द थर्ड पोजीशन नेक्स्ट आ जाते हैं फिर इंपॉर्टेंट डेज नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे छह सात नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है पहली बार दो में ऑब्जर्व किया गया था पिंक रिबन इसका सिंबल रहेगा नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे फिर आ जाता है आपका सीवी रमन बर्थ एनिवर्सरी सात नवंबर को ही सीवी रमन की बर्थ एनिवर्सरी ऑब्जर्व करते हैं इस बार 2023 में इनकी 135वीं बर्थ एनिवर्सरी थी करेक्ट रमन इफेक्ट के लिए ये फेमस है करेक्ट स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए ये फेमस है और स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए ही इनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था इन फिजिक्स इन उन्नीस ठीक है आ, एक चीज और यहाँ पे याद रखेंगे उन्नीस सौ नॉट उन्नीस 1930 में इनको सम्मानित किया गया था नोबेल प्राइज से फिर ये पैलेट प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स बने एट यूनिवर्सिटी ऑफ देन ऑनररी प्रोफेसर एंड ऑनररी सेक्रेटरी की इनको दो ऑनररी पोजिशन मिली एट इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ साइंस जो कोलकाता में है फिर इसी के अलावा इनके अगर पूछा जाए जन्म कब हुआ था तो इनका जन्म हुआ था 1888 में एंड इनका निधन कब हो गया था 1970 में बैंगलोर कर्नाटका में ठीक है तो मार्क करके चलेंगे फिर इनको 1954 में याद रखेंगे भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था मूविंग ऑन नेक्स्ट आ जाते हैं फिर स्टेट न्यूज के ऊपर अभी जम्मू एंड कश्मीर वो पहला, पहला यूटी बनाए इंडिया में पहला स्टेट या पहला यूटी बनाए इंडिया में जिन्होंने यूज किया जी पी ट्रैकर एंकलेट्स को फॉर टेरर अक्यूज ऑन बेल जो भी टेररिस्ट या फिर जो भी टेरर के लिए अक्यूज व्यक्ति है जो जेल में थे वो अभी बेल पर बाहर है तो उनके पैरों में एक जीपीएस एंकलेट लगाया गया एक जीपीएस ट्रैकर लगाया गया उनके एंकलेट में ताकि उनकी हर मॉनिट मूवमेंट मौनिट को मॉनिटर किया जा सके कि वो कहाँ जा रहे हैं किस लोकेशन पे ऐसे डिवाइस पहले यूएसए में यूके में साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में यूज़ किए जाते थे अब इंडिया में भी जम्मू एंड कश्मीर में पहली बार यूज़ किया गया बाय द पुलिस एंड ये वो पहला पुलिस डिपार्टमेंट बन गया इंडिया में जिन्होंने यूज़ किया है जी ट्रैकर एंकलेट्स को ताकि जो भी वो अक्यूज है टेरर अक्यूज व्यक्ति है उसकी मॉनिटरिंग की जा सके कि वो किस लोकेशन पे है जबकि वो बेल पर है तब भी ठीक है तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स अब आ जाते हैं क्विक वन लाइनर पर एडिशन ऑफ इंडिया मोबाइल कांग्रेस न्यू दिल्ली में हुई गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र सिंह के द्वारा यहाँ पे अनवेल किया गया क्रेस्ट ऑफ इंडियन नेवलशिप सूरत फिर फसाई की फिफ्थ स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स रिपोर्ट रिलीज की गई और यहाँ पे बताया नाइनटीन आउट ऑफ ट्वेंटी जो मेजर स्टेट्स हैं उनमें रिकॉर्ड एक ड्रॉप देखने को मिला इन ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री एज कम्पेयर टू दो हजार उन्नीस कृषि ट्वेंटी फोर सेवन गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया इंडिया का पहला ए आई सोलूशन है फॉर एग्रीकल्चर न्यूज मॉनिटरिंग ई ए सी ने कंडक्ट किए एनुअल एक्सरसाइज पूर्वी आकाश यू एन ई पी एडेप्टन गैप रिपोर्ट यू एन ई पी के द्वारा रिलीज की गई और बताया गया कि जो ग्लोबल ग्लोबल क्लाइमेट अडॉप्शन का है ना हमें उसमें क्राइसिस देखने को मिला है और जितनी रिक्वायरमेंट है हम उतना एफर्ट नहीं डाल रहे हैं देन थ्री डे विजिट पर थी टू श्रीलंका आर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर और आर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन मैम करेक्ट एंड उन्होंने नाम दो हजार नाम टू में पार्टिसिपेट किया और दो ब्रांचेस ऑफ एसबीआई की लॉन्च की त्रिमुण में एंड जाफना में देन इंडिया अमंग द टॉप कंट्रीज विद हाई इनकम वेल्थ इन इक्वालिटी एज पर टू रिपोर्ट रिलीज बाय यू देन सीसीआई अप्रूवल्स हम देख ही चुके हैं नासा ने लॉन्च किया एक साउंडिंग रॉकेट एज अ पार्ट ऑफ इन्फ्यूज मिशन चेस की बात करें तो विजित गुजराती इन्होंने फाइट ग्रैंड स्विस को जीत लिया मैन कैटेगरी में और वीमेन कैटेगरी की बात करें तो वैशाली ने यहाँ पे फाइट वीमेन्स ग्रेड स्विस को जीत लिया है इसका सेकेंड एडिशन था और मेन्स का थर्ड एडिशन था देन इंडियन वीमेन्स हॉकी टीम ने भी एशोसिएशन चैंपियनशिप ट्रॉफी को जीत लिया दो फाइनल्स कहाँ हुए थे झारखंड रांची में देन रेड बुल्स मैक्स वर्स्ट एपन इन्होंने एफ वन साओ पोलो ग्रैंड प्रिक्स को जीत लिया है और इससे सत्तरवीं विक्ट्री हो गई है ये आउट ऑफ ट्वेंटी एंड ये सेवनटीन याद रखेंगे एक रिकॉर्ड भी है देन नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे सात नवंबर को पिंक रिबन यहाँ पे इनका सिंपल रहेगा सी वी रमन्ना बर्थ एनिवर्सरी सात नवंबर को ही एंड जम्मू एंड कश्मीर पुलिस बिकेम द फर्स्ट इन इंडिया जिन्होंने जी पी एस ट्रैकर एंकलेट चूज किए फॉर टेरर अक्यूज ऑन बेल तो दोस्तों ये तो थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स अब आ जाते हैं कुछ रिविजन पार्ट पर नेक्स्ट किस रेगुलेटरी बॉडी ने ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली रिलीज किया एक सर्कुलर स्टेटिंग दैट मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन शुड सेटअप कॉमन ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पोर्टल ओडीआर पोर्टल सेटअप करने के लिए अभी पूछा गया कि किस रेगुलेटरी बॉडी ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिलीज किया एक सर्कुलर स्टेटिंग कि एम एम मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन इनको एक कॉमन ओडीआर पोर्टल जो कि आपका है ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पोर्टल सेटअप करने की बात की गई तो किस रेगुलेटरी बॉडी ने यह बोला तो ये रहेगी आपकी सेबी करेक्ट एंड ये बेसिकली किस लिए होगा कि आपकी जो भी ऑनलाइन प्रॉब्लम्स है ना उनको रिजॉल्व करने के लिए ठीक एंड मार्केट पार्टिसिपेंट्स जैसे कि आपकी लिस्टेड कंपनीज हो गई इंटरमीडिएटरीज हो गई रेगुलेटेड एंटिटीज हो गई शुड एनरोल इन अ पर्टिकुलर पोर्टल नेक्स्ट हु अलॉन्ग विदानियन विमेन प्रोटेस्ट मूवमेंट हैज रिसेंटली नेम्ड एज द विनर्स ऑफ शाकर प्राइस फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट जो की शाकर ऑफ प्राइज बाई रॉबर्टा मेट्सोला जो कि प्रेजिडेंट है यूरोपियन पार्लियामेंट की तो यहाँ पे सबसे पहले तो याद रखेंगे जो ये इनको सम्मानित किया गया ना शाकर ऑफ प्राइज से ये दिया जाता है ताकि जो राइट्स है उसके ऊपर लड़ा जाए राइट्स के ऊपर बात की जाए उनकी जो वॉइस है उसको रेज किया जाए करेक्ट तो यहाँ पे कौन सी इरानियन वीमेन है अलॉन्ग विदानियन विमेन प्रोटेस्टर्स जिनको यहाँ पे शाकर ऑफ प्राइज से सम्मानित किया गया उनका नाम पूछा गया तो वो है जीना माशा आमिनी राइट ये अलॉन्ग विद जो इरानियन वीमेन है प्रोटेस्ट मूवमेंट की उनको शाकर ऑफ प्राइज से सम्मानित किया गया फॉर द फ्रीडम ऑफ थॉट ये किन के द्वारा यूरोपियन यूनियन का टॉप ह्यूमन राइट प्राइज है एंड यूरोपियन यूनियन की जो प्रेसिडेंट है रोबेटा मेटसोला उनके द्वारा इस अवार्ड से इनको सम्मानित करा जाएगा ठीक है शाकर ऑफ प्राइज की बात करें नाइनटीन में इस अवार्ड को सम्मानित किया गया था इस्टेब्लिश किया गया था बाई यूरोपियन पार्लियामेंट नेक्स्ट द्रौपदी मुर्मू प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया इनको इन्होंने अपॉइंट किया रघुबार दास को एज द ट्वेंटी सिक्स गवर्नर ऑफ स्टेट तो रघुबार दास ये ट्वेंटी सिक्स गवर्नर बन गए हैं उड़ीसा के एंड इंदिरा सेना रेड्डी नालूजी ये बन गए हैं ट्वेंटी गवर्नर ऑफ त्रिपुरा ठीक है तो रघुबार दास छब्बीस गवर्नर बने ओडिशा के और इंदिरा सेन रेड्डी नालू ये बीसवें गवर्नर बने हैं त्रिपुरा के मार्क करके चलेंगे इसको तो राइट ऑप्शन पे आ जाता है ऑप्शन नेक्स्ट नेम द कंपनी जिन्होंने रिसेंटली अभी गोल्डन पिकॉक अवार्ड को जीता इन द रिस्क मैनेजमेंट अंडर द पावर सेक्टर तो पावर सेक्टर के अंदर जिस कंपनी ने अभी गोल्डन पिकऑक अवार्ड जीता है अंडर द रिस्क मैनेजमेंट उस कंपनी का नाम क्या रहेगा आर लिमिटेड ये एक महारा सीपीएससी है राइट right? एंड इनको अभी रिकॉग्नाइज किया गया फॉर देयर एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस इन द रिस्क मैनेजमेंट अंडर द पावर सेक्टर एंड इनको गोल्डन पिकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया बाय इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा नेक्स्ट किस कंपनी ने भी इंट्रोड्यूस किया सीवीसी फ्री ऑनलाइन ट्रांजेक्शन फॉर कस्टमर्स कार्ड वेरिफिकेशन कोड या आपके आपने देखा होगा डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड के पीछे ये आपका एक कोड होता है तीन नंबर तीन डिजिट का ये कोड होता है ठीक है एंड इसके थ्रू आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं लेकिन अब क्या कर दिया किस कंपनी में इनमें से उस कोड की वेरिफिकेशन की जरूरत को हटा दिया है राइट हैज इंट्रोड्यूस सीवीसी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन फॉर कस्टमर्स उसको फ्री कर दिया अब आपको सीवीसी कार्ड डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो वो है मास्टर कार्ड नेक्स्ट नेम द एनबीएफसी जिन्होंने साइन किया पंद्रह मिलियन डॉलर फंडिंग डील विद स्विस इंपैक्ट इन्वेस्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्वेस्टमेंट इजी टू प्रमोट ग्रीन फाइनेंसिंग तो कौन सी एन बैन एन बी एफ सी ने यहाँ पे पंद्रह मिलियन डॉलर की डील साइन करी है वो है इलेक्ट्रॉनिका फाइनेंस करेक्ट इन्होंने यहाँ पे पंद्रह मिलियन डॉलर की ग्रीन फाइनेंसिंग डील साइन करी एंड जो इलेक्ट्रॉनिका फाइनेंस है इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे रहेगा पुणे महाराष्ट्र में यहाँ पर आपके सोलर रूफटॉप सोलर एनर्जी विंड एनर्जी इनको यहाँ पे प्रमोट करने की बात की जाएगी नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को प्रमोट करने की बात की जाएगी ठीक एंड यहाँ पर याद रखेंगे इलेक्ट्रो इलेक्ट्रॉनिका फाइनेंस इन्होंने सिडबी के साथ भी यहाँ पर टाइप किया है फॉर दिस ग्रीन On, next बात करते हैं फिर आगे बढ़ने से पहले याद रखेंगे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ डाबर इंडिया लिमिटेड ठीक है, है एक चीज फिर आ जाते हैं अभी रिसेंटली सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एट आई आई टी मुंबई करेक्ट या फिर आईआईटी बॉम्बे कह देते हैं ठीक है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो कि आईआईटी बॉम्बे में है इनके द्वारा एक टेक्नोलॉजी सेटअप की गई एक टेक्नोलॉजी स्टेब्लिश की गई जो कि आपकी कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट कर देगी कार्बन मोनोऑक्साइड में आई रिपीट अभी एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है आई बॉम्बे में जिन्होंने एक टेक्नोलॉजी बनाई है जो कि आपके कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट कर देगी किसमें कार्बन मोनोऑक्साइड में करेक्ट डायरेक्टली इसको याद रखेंगे एंड इसका काफी ज्यादा यूज केसेस हमें देखने को मिलेगा स्टील सेक्टर में. स्टील सेक्टर सेक्टर में में इसका काफी ज्यादा बेनिफिट हमें देखने को मिलेगा किस स्टेट में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अभी इनोग्रेट किया इंडिया का पहला आर आर टी एस सिस्टम जो किया है रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम या ट्रांजिट कॉरिडोर कहां पे किया गया इसको यूपी में अभी इसको लॉन्च किया गया इसका 17 किलोमीटर का भी एक पोर्शन लॉन्च किया गया है अगर टोटल देखेंगे और, और इस रैपिड एक्स ट्रेन का जो नाम रहेगा वो क्या है नमो भारत ठीक है तो राइट ऑप्शन यहाँ पे यूपी में इसको लॉन्च किया गया इन अक्टूबर गूगल ने पार्टनर किया फिनटेक एसोसिएशन ऑफ कंज्यूमर डैश तो ये फेस की फुल फॉर्म पूछी जा रही है इसको ऐसे याद रखेंगे गूगल ने अभी लॉन्च किया इंडियन गवर्नमेंट के साथ मिलके एक फेस इनिशिएटिव इसके अंदर क्या होगा कि जो भी आपकी इलीगल इलीगल डिजिटल लैंडिंग एप्लीकेशन हैं गूगल प्ले स्टोर पे उनको यहाँ पे ख़त्म करने की बात की जाएगी उनको यहाँ पे एक्सपोज करके उनको डी uh, करा जाएगा फ्रॉम दिस प्ले स्टोर्स एंड उनके ऊपर फिर कार्रवाई करने की भी बात की गई तो गूगल ने यहाँ पे किसके साथ गूगल ने यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ टाइप किया और क्या लॉन्च किया फेस अब फेस की फुल फॉर्म पूछी जा रही है फिनटेक एसोसिएशन फॉर कंज्यूमर डैश तो फेस क्या है फिनटेक एसोसिएशन फॉर कंज्यूमर एम्पावरमेंट इसे क्या आ जाता है एम्पावरमेंट तो सिंपल यहाँ पे पूछा गया है फेज की फॉर्म बताओ सबसे पहला है नेम द इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल क्रूज लाइनर जो कि अभी फ्लैग ऑफ किया गया मुंबई महाराष्ट्र से इंडिया का इंडिया का पहला इंटरनेशनल क्रूज लाइनर सबसे पहले तो इसका नाम बताओ क्या रहेगा यह है कोस्टा सेरिना इसका नाम रहेगा कोस्टा सेरिना इंडिया के पहले इंटरनेशनल क्रूज लाइनर का यह कहाँ पे फ्लैग ऑफ किया गया मुंबई महाराष्ट्र में इवेंट हुआ था वहां पे फ्लैग ऑफ किया गया किसके द्वारा इसको फ्लैग ऑफ किया गया सरबंदना सोनोवाल जी के द्वारा इसको फ्लैग ऑफ किया गया करेक्ट किसके द्वारा बनाया गया है इट हैज बिन डिजाइन एंड डेवलप्ड बाय किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा या फिर पूछा जाए कि इसको कंस्ट्रक्ट किया गया किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा तो फिन कैंड टीयरी फिन ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम रहेगा इनके द्वारा यह आपका ये एक शिप बिल्डिंग कंपनी है इनके द्वारा आपका पहला इंटरनेशनल क्रूज लाइनर जिसका नाम है कॉस्टा सेरिना इसको कंस्ट्रक्ट करा गया फिर इसी के अंडर याद रखेंगे इंडिया का एक है मैरिटाइम अमृतकाल विजन इसके अंदर यहाँ पे एम रहेगा कि दो तक हम ऐसे 25 ऑपरेशनल क्रूज टर्मिनल्स को सेटअप कर सकें जहां पे 5 मिलियन पैसेंजर्स यहाँ पर एनुअली ट्रेवल कर पाएंगे इसका यूज ले पाएंगे ठीक है ताकि टूरिज्म इंडस्ट्री बढ़े और ऐसे 25 क्रूज टर्मिनल्स को सेटअप करने की बात की गई तो सेरिना यहाँ पे नाम याद रखेंगे इंडिया के पहले क्रूज लाइनर का नाम रहेगा फर्स्ट इंटरनेशनल क्रूज लाइनर का यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं यह है कॉस्टा सेरेना सरबंदना सोनोवाल जी के द्वारा फ्लैग ऑफ किया गया कॉस्टा सेरेना इसका नाम रहेगा और पहला इंटरनेशनल क्रूज लाइनर रहेगा मुंबई महाराष्ट्र में इवेंट के दौरान इसको लॉन्च किया गया एंड एम क्या है ताकि क्रूजिंग एंड टूरिज्म को इंडिया में बढ़ावा दिया जा सके किस बैंक ने भी रिसेंटली डेवलप किया एक्सप्रेस वे ये क्या है एक्सप्रेस वे तो किस बैंक के द्वारा एक्सप्रेस वे लॉन्च किया गया जो कि एक डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म है जो ऑफर करता है अ रेंज ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज तो एक्सप्रेस वे किसके द्वारा लॉन्च किया गया है उस बैंक का नाम बताइए तो क्या रहेगा उस बैंक का नाम वो है एच बैंक इंपॉर्टेंट है एच बैंक के द्वारा ये एक्सप्रेस वे लॉन्च करा गया नेक्स्ट नेम द विलेज ऑफ इंडिया जिसको भी थर्ड एडिशन ऑफ बेस्ट टूरिज्म विलेजेस 2023 हजार के लिस्ट में जिसने टॉप किया तो किस विलेज ने टॉप किया है वो है ढोरडो विलेज ऑफ गुजरात ठीक इन्होंने टॉप किया एज द बेस्ट टूरिज्म अगर पूछा जाए बेस्ट टूरिज्म विलेज बेस्ट टूरिज्म विलेज अपग्रेड प्रोग्राम में अपग्रेड प्रोग्राम में किसने टॉप किया तो वो रहेगी माडला विलेज और माडला विलेज कहां पर है ये मध्य प्रदेश में रहेगी अगर बेस्ट टूरिज्म विलेज अपग्रेड प्रोग्राम की बात कर रहे हैं तो माडला विलेज और बेस्ट टूरिज्म विलेज की बात कर रहे हैं तो ढोडो विलेज गुजरात की यूएनडब्ल्यूटीओ के द्वारा ये दोनों रिलीज की जाती हैं ठीक है नेक्स्ट विच मिलिट्री स्टेशन इन इंडिया हैज़ बिन बैक्ड और हैज बैक्ड द बेस्ट ग्रीन मिलिट्री स्टेशन अवार्ड तो बेस्ट ग्रीन मिलिट्री स्टेशन अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया वह है उधमपुर रेलवे मिलिट्री स्टेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर सेकेंड पोजीशन पर कौन सा आ जाता है देहरादून मिलिट्री स्टेशन सेकेंड पोजीशन पे आ जाता है और फर्स्ट पोजिशन पर कौन सा रहेगा बेस्ट मिलिट्री बेस्ट ग्रीन मिलिट्री स्टेशन अवार्ड के लिए वो है उधमपुर मिलिट्री स्टेशन नेक्स्ट नेम द फिनटेक कंपनी जिन्होंने रिसेंटली कोलेबरेट किया विद द एनपीसीआई टू इंट्रोड्यूस रुपे क्रेडिट कार्ड बेस्ड यूपीआई पेमेंट्स तो किस फिनटेक कंपनी ने भी रिसेंटली कोलेबरेट किया विद नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया टू इंट्रोड्यूस रुपे क्रेडिट कार्ड बेस्ड यूपीआई पेमेंट्स वो रहेगा क्रेट ठीक है क्रेड ये बेंगलोर कर्नाटका बेस्ड एक फिनटेक कंपनी है इनका जो लॉन्च की गई थी ना जिस थीम पे बेस्ड लॉन्च की गई थी वो थी क्रेडिट कार्ड पेमेंट बट फिर लेटर ऑन हम देख रहे हैं कि यहां पर आप यूपीआई से पेमेंट भी कर सकते हैं यहीं पर हम देख रहे हैं आप क्रेडिट कार्ड के बेसिस पे आपको कैशबैक वगैरह काफी सारी डील्स भी मिलती हैं फिर यहीं पर देख रहे हैं अब आप शॉपिंग भी ऑनलाइन यहां पर कर सकते हैं थ्रू दिस प्लेटफॉर्म तो क्रेड ने लॉन्च किया अभी रिसेंटली एनपीसीआई के साथ मिलके रुपए क्रेडिट कार्ड बेस्ड यूपीआई पेमेंट्स को करेक्ट

नाइन्टीन मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड फॉर सोशल जस्टिस तो याद रखेंगे इनका नाम क्या रहेंगी यह है नरगिस मोहम्मदी इनको अभी दो के नोबेल पीस प्राइज से भी सम्मानित किया गया क्योंकि ये ईरानियन वीमेन के खिलाफ जो वहाँ पे आ, राइट्स उनके छीने जा रहे हैं जो उनको सप्रेस किया जा रहा है तो उसके खिलाफ यहाँ पे ये यह लड़ रही हैं नरगिस मोहम्मदी ये भी जेल में भी हैं और इनको यहाँ पे नाइनटीन एडिशन ऑफ मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा फॉर सोशल जस्टिस करेक्ट नवंबर में ये मुंबई महाराष्ट्र में इवेंट होगा एंड उसके दौरान इनको यहाँ पे सम्मानित करा जाएगा इस नाइनटींथ एडिशन ऑफ मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से और दो में इनको नोबेल पीस प्राइस से भी सम्मानित किया जा चुका है नेक्स्ट नेम द बैंक दैट इज रिसीव द अप्रूवल फ्रॉम आर बी आई टू एक्वायर हंड्रेड परसेंट ऑफ द इशूड एंड पेड अप कैपिटल इन सोनाटा फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड फॉर फाइव थर्टी सेवन करोड़

क्लास गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर जिसको दैट हैज बिन डिलीवर टू द इंडियन नेवी इन अक्टूबर तो उसका नाम है इम्फॉल या फिर यार्ड वन टू सेवन जीरो सिक्स राइट मार्क करके चलेंगे इसको बिल्ड किसके द्वारा किया गया अगर पूछा जाए तो मडगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के दो के द्वारा इंडियन नेवी को डिलीवर किया जाएगा एंड इसका जो डिज़ाइन है वो किसके द्वारा इंडियन नेवीज वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो के द्वारा इसका डिज़ाइन डेवलप किया गया था बनाया गया था नेक्स्ट पुलिस कमेमरेशन डे या फिर पुलिस मार्टर्स डे ऑब्जर्व ये कब ऑब्जर्व किया जाता है तो इक्कीस अक्टूबर को हर साल हम ऑब्जर्व करते हैं किस कंपनी ने रिसेंटली अपॉइंट किया परमिंदर चोपड़ा को एज द फर्स्ट वीमेन फुल टाइम चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर तो कौन है वो वो है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन अभी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ने अपॉइंट किया परमिंदर चोपड़ा को एज द फर्स्ट वीमेन फुल टाइम चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर माफ करके चलेंगे एंड इनका टर्म कब खत्म होगा और uh, कब से शुरू होगा अगस्त से इनका टर्म यहां पर शुरू हो गया करेक्ट और इंपॉर्टेंट क्या है ये पहली फुल टाइम चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बनी है पी की कौन परमिंदर चोपड़ा नेक्स्ट हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ साउथ इंडियन बैंक तो साउथ इंडियन बैंक के एम डी एन सी कौन अपॉइंट किए गए हैं पी एस शेषधरी करेक्ट मार्क करके चलेंगे इंपॉर्टेंट और पी एस शेषधरी ये किन को रिप्लेस करेंगे ये रिप्लेस करेंगे मुराली रामाकृष्ण जी को टू बी द न्यू एम डी और सीईओ किसके साउथ इंडियन बैंक के अगला है विच लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इन्होंने गोल्ड प्लान लॉन्च किया है गोल्ड क्या है गारंटी ऑफ लाइफ ड्रीम्स गोल्ड प्लान ये प्रोवाइड करेगा पॉलिसी होल्डर्स को विद रेगुलर लॉन्ग टर्म इनकम ऑप्शन पूछा जा है किस लाइफ इंश्योरेंस ने इसको लॉन्च किया है तो यह लॉन्च किया गया है इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा है जो कि गोल्ड प्लान जो कि है आपका गारंटी ऑफ लाइफ ड्रीम्स एक रेगुलर लॉन्ग टर्म इनकम प्लान रहेगा ऑफर करता है प्रीमियम पेइंग ऑप्शंस जैसे 6 साल 8 साल 10 साल और जो पॉलिसी आप करा सकते हैं तीस साल के लिए चालीस साल के लिए नेक्स्ट नेम द बैंक जिन्होंने रिसेंटली पार्टनर किया टाइगर फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड के साथ टू लॉन्च अ को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड जो कि पावर किया गया है वीजा के द्वारा रिपीट उस बैंक का नाम बताओ जिन्होंने पार्टनर किया टाइगर फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड के साथ टू लॉन्च अ को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड पावर्ड बाय वीजा तो वो है इंडसइंड बैंक ठीक है और इंडसइंड बैंक टाइगर क्रेडिट कार्ड ये क्रेडिट कार्ड का नाम रहेगा जिसको पावर किया जाएगा वीजा के द्वारा यहां पे काफी सारे वीजा आपके रिवॉर्ड प्रोग्राम्स होंगे 6x आपके एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड्स की बात की गई एंड सो ऑन मूविंग ऑन माइकल पात्रा जो कि डेटी गवर्नर है ऑफ आर इन्होंने इनग्रेट किया सब ऑफिस ऑफ द आर इन आई पर ईटानगर अरुणाचल में इनके द्वारा डॉक्टर के द्वारा जो डेप्टी गवर्नर है आरबीआई के इनॉग्रेट किया गया सब ऑफिस ऑफ द आरबीआई ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में नेक्स्ट इन ऑक्टोबर सरगाल्या आर्ट्स एंड क्राफ्ट विलेज एट इरिंगल जो कि केरला में है इसको सेलेक्ट किया गया था एज वन ऑफ द बेस्ट हंड्रेड टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन द वर्ल्ड बाय द ग्रीन डेस्टिनेशन कांग्रेस जो कि टेलिन एस्टोनिया में मैं फिर से बता रहा हूँ सरगाल्या आर्ट्स एंड क्राफ्ट विलेज ये रिंगल केरला में लोकेटेड है राइट एंड इसको भी लिस्ट किया गया था इन द हंड्रेड टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन द वर्ल्ड एज द ग्रीन डेस्टिनेशन कांग्रेस जो कि एस्टोनिया में थी उसके दौरान हंड्रेड टूरिस्ट डेस्टिनेशन की लिस्ट में इसको एड किया गया था बेस्ट हंड्रेड टूरिस्ट डेस्टिनेशन की लिस्ट में कहां पर है केरला में नेक्स्ट नेम द बैंक जिसको अभी पार्टनर जिसने भी पार्टनर किया एन बी बी पी के साथ जो कि है एन पी सी आई भारत बिल पे लिमिटेड और इन्होंने मिलकर लॉन्च किया सर्विसेज अंडर द बिजनेस टू बिजनेस कैटेगरी बी टू बी कैटेगरी के अंडर लॉन्च किया गया क्या इनके द्वारा एक सर्विसेज बिजनेस की जैसे मतलब पेमेंट करना पेमेंट रिसीव करना चेक रखना तो ये सारी पेमेंट करेक्ट तो ये सारी सर्विसेज तो किस बैंक ने भी टाइप किया है एन पी बी एन बी बी पी के साथ तो बैंक का नाम रहेगा यहाँ पर एक्सिस बैंक ठीक है इन्होंने टाइप किया एन भारत बिल पे लिमिटेड के साथ ताकि बी टू बी सर्विसेज लॉन्च की जा सके फिर यहीं पे याद रखेंगे माई जियो ये वो पहली एप्लीकेशन बन गई टू गो ऑन लाइव विद द बी टू बी कैटेगरी पेमेंट्स के साथ ठीक है आई रिपीट माई जियो वो पहली ऐप बन गई टू गो लाइव विद द बी टू बी कैटेगरी पेमेंट्स एंड एक्सिस बैंक ने एन के साथ टाइप किया था फॉर दिस बी टू बी कैटेगरी सर्विसेज नेक्स्ट नेम द रेगुलेटरी बॉडी ऑफ इंडिया That has been recently awarded with ISAR Honors 2023 by UNCTAD Working Group on International Standards for Accounting and Reporting. तो कौन से Institute Regulatory Body रहेगी ICAI? ICAI को यहाँ पे याद रखेंगे भी Award Honor किया गया with ISAR Honors के साथ ये छठा Edition रहेगा of ISAR Honors Correct? UNCTAD के द्वारा इसको दिया जाता है एंड इसको प्रेजेंट किया गया ड्यूरिंग द एट्थ एडिशन ऑफ द वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट फॉरम ये वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट फॉरम कहाँ पर हो रही थी यू में हो रही थी अबूधाबी में करेक्ट एंड इसका एट्थ एडिशन था छः से लेके बीस अक्टूबर के बीच में ये हो रही थी इसके दौरान यहाँ पे छठा एडिशन ऑफ आई एस ऑनर से सम्मानित किया गया आई को नेक्स्ट नेम द पर्सनैलिटी जिनको अभी फैसिलिटेट किया गया वे ट्वेंटी ट्वेंटी टू सेंटर ऑन द लीगल प्रोफेशन अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप बाय द हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर ऑफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी तो किनको अभी यहाँ पे इस अवार्ड से सम्मानित किया गया वो है डी वाई जी राइट ये हाईएस्ट ऑनर रहता है आपका हार्वर्ड लॉ स्कूल का करेक्ट एंड ये है सेंटर ऑन द लीगल प्रोफेशन अवार्ड बाय ग्लोबल लीडरशिप हार्वर्ड्स लॉ स्कूल का ये हाइएस्ट आपका अचीवमेंट ऑनर है और इससे इनको सम्मानित किया गया डी वाई जी को और जी डी वाई चंद्रचू जी क्या है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है एज ऑफ इन अक्टूबर आर बी आई ने अप्रूव किया अपॉइंटमेंट ऑफ अशोक वासवानी एज द नेक्स्ट मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ डैश बैंक फॉर अ पीरियड ऑफ थ्री ईयर्स तो कोटैक महिंद्रा बैंक के आने वाले तीन साल के लिए यहाँ पर आर बी आई ने अप्रूव किया अपॉइंटमेंट ऑफ अशोक वासवानी को एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ये किन को रिप्लेस करेंगे उदय कोटक को ये रिप्लेस करेंगे टू बी द न्यू एम डी एन सी ईओ ऑ ऑफ कोटैक महिंद्रा बैंक ठीक है नेक्स्ट इन अक्टूबर इसरो इसरो ने सक्सेसफुली लॉन्च किया फर्स्ट फ्लाइट टेस्ट व्हीकल अबाउट मिशन ऑफ डैश मिशन फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा तो ये इसरो के द्वारा जो अभी फर्स्ट फ्लाइट टेस्ट व्हीकल अबाउट मिशन टेस्ट किया गया था किसके लिए गगनयान मिशन के लिए इसको टेस्ट किया गया था कहा से श्रीहरिकोटा सतीश uh, धवन स्पेस सेंटर इन श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से नेक्स्ट हुज बिन रिसेंटलीज रिसेंटली वन द एफ वन यूएसए यूएस ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसके द्वारा जीती गई मैक्स व स्टेपन के द्वारा ये इनकी 50वीं विक्ट्री बन गई है इनकी लाइफ टाइम की एफ वन रेस की और याद रखेंगे इन्होंने 11 ग्यारह विन का एक रिकॉर्ड बनाया इन अ पर्टिकुलर ईयर यह है मैक्स व स्टेपन रेड बुल के लिए ड्राइव करते हैं बेल्जियन डच ये ड्राइवर रहेंगे नेक्स्ट वेन वॉज स्नो लेपर्ड डे ऑब्जर्व अक्रॉस द गर्ड तो स्नो लेपर्ड डे कब ऑब्जर्व किया जाता है तेईस अक्टूबर को हम ऑब्जर्व करते हैं स्नो लेपर्ड डे अक्रॉस स्नो लैपड की बात करें तो आपका इसका जो साइंटिफिक नेम रहेगा वो क्या है पैंथरा यूनिशिया अगर मैं टाइगर की बात करूं तो यहां पे साइंटिफिक नेम क्या रहेगा पैंथरा टिक्रेस ठीक है और जो स्नो लैपड है इनकी अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए क्योंकि इनकी एंडेंजर स्पीशीज है इवन इनको रेड लिस्ट में मेंशन किया गया ऑफ तो इनके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए डे ऑब्जर्व करा नेक्स्ट विच कंपनी हैज रिसेंटली साइंड अ मल्टी ईयर इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट सोल्यूशन कॉन्ट्रैक्ट विद एल आई सी पेंशन फंड वो है केफेन टेक्नोलॉजीज नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा होमवर्क सेक्शन पहला विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ वर्ल्ड टेलीकोम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली दो हजार चौबीस सेकेंड साइमा वाजिद जो नेक्स्ट रीजनल डायरेक्टर हैं फॉर द वर्ल्ड हेल्थ एसोसिएशन साउथ ईस्ट एशियन रीजन ये किस कंट्री से हैं? और पूछा जा रहा है एक और चीज़ साथ साथ बता दो एस ई आर में कितनी मेम्बर कंट्रीज रहेंगी तीसरा वॉट वेन इज द इंटरनेशनल डे फॉर बायोस्फेयर रिजर्व कब ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनल डे फॉर बायोस्फेयर रिजर्व और इसकी अगर थीम है तो थीम भी मुझे नीचे कमेंट करके बताओ तो ये तीन आपके होमवर्क क्वेश्चन रहेंगे फ्रेंड मैक्सिमम टू मैक्सिमम पार्टिसिपेशन चाहिए जो जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं सब बच्चे यहाँ पे नीचे कमेंट करके बताएंगे आंसर का तभी आपकी रिविजन होगी तभी आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी राइट सो ऑल फॉर थैंक डेट सॉल्व फॉर आई होप यू एंजॉय फॉलो अस ऑन दूट्यूबल एज वेल एज अपार्ट फ्रॉम यू टूबोटर्स क्लाउड टेलीग्राम चैनल एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज रिलेटेड टू द कंटेंट और द of courses offered to you or the payment which you did on the application you can contact us on the number provided that is seven six double seven triple apart from this friends you can follow us on the facebook as well as on instagram handle that is affairs underscore official in the end friends if you use a code that is vikas10 you will be getting an additional extra 10 percent discount by using this code vikas10 also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support at the rate of affairscloud.com. And I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.